अपील करना चाहता हूं जनता को, इस चीज़ के लिए जागरूक करना चाहता हूं कि आप लोगों मीडिया की विशालत से अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा, 3 दिन के अंदर में हमारे तकरीबन 7-8 बच्चों का जो है एक्सीडेंट की वजह से उनकी मौत जो है वो हो चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो गाड़ियाँ चलाते हैं, रफ गाड़ियाँ चलाते हैं, उसके बाद में रॉन्ग पार्किंग जो है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। लोग जो बाइक के ऊपर में चलते हैं वो लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ मीडिया के थ्रू में, पब्लिक से, कि जो भी लोग गाड़ियाँ लेकर के निकलते हैं मेहरबानी करके वो सीट बेल्ट का और हेलमेट का प्रॉपर इस्तेमाल करें। दूसरा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपने हर 100 गज पे 200 गज पे नाके तो लगा रखे हैं, लेकिन कोई भी पुलिस वाला नाके वाला ये जहमत नहीं करता कि बिना हेलमेट वाले को रोक करके उसका चलान नहीं करता, बिना मास्क वाले का चलान नहीं करता। ये तो महामारी फैल रही है, दूसरा ये एक्सीडेंट जो है, नौजवान बच्चे आए दिन जो हैं वो मर रहे हैं। तो मैं मीडिया की विशालत से ये आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि वो इस चीज़ के ऊपर में खास करके ध्यान दें। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूंछ के आवाम को हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ, खासतौर उन नौजवानों को, अक्सर देखा जाए कि पिछले 20 से 25 दिन के बीच सबसे पहले एक्सीडेंट जो है बताया ब्रिज के ऊपर हुआ, एक नौजवान जो है वह अपनी ज़िंदगी से चल बसा, उसके बाद सुरनकोट में हुआ, कलाई के पास हुआ, मंडी में हुआ और हमारे प्रेस स्कूल के बीच हुआ। ये एक्सीडेंट का सबसे बड़ा जो कारण है कि ये जो रॉन्ग पार्किंग है, उसके बाद विदाउट हेलमेट जो हमारे बच्चे जो है बाइक चला रहे हैं, उसके बाद जो फोर व्हीलर हैं वो अपना सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दूसरा ओवरटेक, रॉन्ग पार्किंग, ओवरटेक, ओवर स्पीड। और मैं इनके जो घर वाले हैं, अपने पेरेंट्स हैं, उनसे मेरी ये प्रार्थना है, हाथ जोड़ के ये अपील है कि अपने बच्चों को आप देखिए कि बच्चा बालक है या ना बालक, उस हिसाब से उसे आप स्कूटी दीजिए या बाइक दीजिए ताकि वो बाइक का इस्तेमाल करें। उसके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, सबसे पहले तो वो इतना बड़ा जुर्म है कि उसके पास लाइसेंस भी नहीं है रोड पर चलने के लिए, फिर भी वो बाइक और स्कूटी का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे एक दर्दनाक हादसा होता है। वो पूंछ जो एक सदमे में आ जाता है, जिस घर का बच्चा चला जाता है संसार को छोड़कर, उन घरवालों से पूछिए क्या हालात हो रही है। आप देखिए कि ट्रैफिक के जितने भी नियम हैं हमें उनकी पालना करनी चाहिए। ट्रैफिक वाले हमारे जो बाइक है यहाँ पर है पुंछ के बीच है, जो ट्रैफिक वाले हैं वो हमारे लिए खड़े हैं, जहाँ भी खड़े हैं वो हमारे लिए खड़े हैं। और जो नाके लगे हुए हैं हर 200 मीटर 500 मीटर के ऊपर, वो पूरी गाड़ी को चेक कर रहे हैं, लेकिन जो विदाउट हेलमेट है उसको भी बड़ा फाइन किया जाए। और जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं हो वो तो फाइन के काबिल है ही है, जिसके पास हेलमेट नहीं अगर वो सारी मांग रहा है ट्रैफिक वाले से, उसे माफ़ नहीं करना चाहिए। अगर हेलमेट पहना हुआ है तो मैं समझता हूँ कि वो इंजर्ड होगा, वो डेथ केस नहीं हो सकता, उससे उसकी जान जो बच सकती है। और फर्स्ट एड के लिए एक्सीडेंट होता भी है, फर्स्ट एड के लिए हेलमेट बचा सकता है और हम उसे हॉस्पिटल तक पहुँचा सकते हैं, जिससे उसकी जान बच सकती है और हमारे पूंछ का जो नुकसान नहीं होगा। नौजवान ही पूंछ का चिराग है। अगर नौजवान ऐसे हादसे में अगर वो गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं, कल युवा देश के लिए वो क्या कर सकते हैं। इसलिए हमें ये अपील है कि नौजवानों को समझना चाहिए, ओवर स्पीड नहीं चलना चाहिए, हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो वक्तन वक्तन हमारे पास आते हैं, जिससे हम पूंछ के भलाई के लिए, पूंछ के प्रोग्रेस के लिए आपसे बात करते हैं। आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। पूंछ में काफ़ी जो है हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसमें नौजवान भी डेथ हो गई, तो उसके आज अपने यहाँ नाका लगाया, तो क्या कहना चाहिए? आज सुबह से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कनकोट में नाका लगाया है, जिसमें वहाँ से हमें ये हर वक्त ये शिकायतें मिलती थी कि जो सोमोज हैं वो ओवरलोडिंग करते हैं और विदाउट इंश्योरेंस होती हैं, तो जब भी हम नाका लगाते थे तो वो छुप जाते थे। आज हमने वहाँ से 4 सोमो जो हैं वो हमने कैप्चर की हैं विदाउट इंश्योरेंस और ओवरलोडिंग, जिनको हमने सीज़ किया है। उसके बाद हमने फिर चले गए हम पार खड़ी करमाड़ा में, तो वहाँ पे भी हमें ये आ रहा था कि ओवरलोडिंग चलती है, उसके बाद जो किराया जो है वो ज़्यादा वसूलते हैं, तो वहाँ पर भी हमने 2 मैजिक जो हैं उनको हमने कोर्ट चलान दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम आए नाखा वाली चौक, ईदगाह चौक, तो यहाँ पे हमने खासकर गाड़ी वालों जो बसेस वगैरह आ रहे हैं उनसे, सवारियों से हम ये पूछ रहे हैं कितना किराया है, तो उसमें हम लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं कि जो 30% बड़ा हुआ है उसी के हिसाब से वो किराया दें, ज़्यादा ना दें। मैक्सिमम देखा जाए जो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें एक रॉन्ग पार्किंग एक बहुत बड़ी वजह बन रही है। पिछले दिनों में ट्रैफिक पुलिस की जान से क्रेन लगा के गाड़ियाँ उठाई भी जाती थी, लेकिन एक क्रेन में पूछ रहे इतना नहीं, तो क्या कहना चाहिए? ये कुछ जैसे रॉन्ग पार्किंग, हमने 3-4 दिन पहले भी हमने 2 गाड़ी जो प्राइवेट क्रेन हमने हायर किया उसमें हमने 3-4 गाड़ियाँ लिफ्ट की थी, तो ये तो मतलब हम हर वक्त देखते हैं कोई रॉन्ग पार्किंग है, थोड़ी क्रेन की वजह से थोड़ा हमें डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, तो वो भी हम
ठीक कर लें। क्या मैसेज देना चाहेंगे पूंछ की? तो खासकर मैं जो युवा हैं जो बाइक्स बाइक्स नहीं है, खासकर क्रैश हेलमेट नहीं लगाते हैं, वो ट्रिपर राइडर चलते हैं, तो उन्हें सुबह से भी हमने क्रैश हेलमेट के 2-3 चलान दिए हैं, सीज़ किए हैं, 1-2 बाइक सीज़ की हैं। तो खासकर मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को हेलमेट पहनाएं, और जो अंडर एज हैं उनको स्कूटी या मोटर बाइक्स वगैरह वो ना चलाने दें।